हेलो गाइस, हम सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में भी काफी इंपोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, अभी का एलपीजी गैस सिलेंडर है वो 450 रुपए का मिलने की बात है और ये काफी ज्यादा चर्चा में है और इसके लिए कुछ प्रोसेस भी अभी चलाई गई है सरकार के द्वारा। लेकिन कन्फ्यूजन लोगों के काफी भर भर के आ रहे हैं और काफी कमेंट्स भी आ रहे हैं कि 450 रुपए में जो सिलेंडर मिलेगा वो कैसे मिलेगा और क्या क्या करना होगा। जैसे कि कई मित्र वाले बोल रहे हैं कि 16 डिजिट की आईडी चाहिए है एलपीजी वाली और 17 डिजिट की एलपीजी आईडी चाहिए। तो ये 16 और 17 वाला क्या मैटर है, कैसे आपको फाइंड करना है, क्या प्रोसेस रहने वाली है, वो बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो मैं आपको पूरा बताऊँगा कि कैसे आप अपनी जो एलपीजी आईडी है वो कैसे निकाल सकते हैं, 17 डिजिट वाली या 16 डिजिट वाली वो कैसे निकाल पाओगे, आप अच्छे से खुद ही फाइंड कर पाओगे ये चीज़। अगर फिर भी फाइंड नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। उससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं, तो प्लीज़ दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ हर वीडियो में कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आप सब्सक्राइब करोगे तो मेरे को भी कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हो जाएगा, मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए काफ़ी अच्छे वीडियोस और ला पाऊँगा। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ और कंप्यूटर स्क्रीन पे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि किस तरीके से क्या प्रोसेस रहती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरिकल बता देता हूँ कि ये क्यों चला है, क्या क्या प्रोसेस रहेगी इस चीज़ में, वो सब कुछ बात कर लेते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, 450 में जो सिलेंडर मिलेगा वो ऐसा ही नहीं मिलने वाला। जिनका राशन कार्ड चालू है उन्हीं को ये मिलेगा, राशन कार्ड इन द सेंस कि जिनका जो ये सामग्री मिल रही है, खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़ा हुआ है और खाद्य सुरक्षा जिन लोगों को मिल रही है उनको ही 450 रुपये में ये सिलेंडर मिलेगा। लेकिन उसके लिए भी थोड़ी बहुत माथापोड़ी करनी पड़ेगी। तो माथापोड़ी में क्या क्या चीज़ आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले अपना जनाधार और आधार की KYC करनी होगी। अगर KYC नहीं होगी तो भी आपका ये काम नहीं होगा। सभी कैंडिडेट के लिए अप्लाई होता है, जितने भी जनाधार में मेंबर हैं उन सभी की KYC होनी चाहिए और राशन कार्ड की और जनाधार की दोनों आपस में लिंक होने चाहिए। तो ये चीज़ भी आपको KYC के माध्यम से ही करवाना है। जो लिंक वाला सिलसिला है वो सभी को लिंक करवाना है, भले आधार कार्ड से जनाधार हो या फिर आपका राशन कार्ड से आधार कार्ड हो, ये सब चीज़ आपको लिंक करवा लेनी है आपस में। जैसा कि आपको पता है जनाधार में जो आधार कार्ड से लिंक होता है वो ई मित्र पे होता है। अब आप बोलोगे कि जो राशन कार्ड वाला है वो KYC कहाँ होगी, तो राशन कार्ड वाली KYC आपको पता है सामग्री वगैरह मिलती है जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर है वहीं पे आपको ये करवाना होगा सभी लोगों की, जितने भी आपके राशन कार्ड में मेंबर जुड़े हुए हैं उन सभी की यहाँ पे KYC करवानी होगी। फिर आपको करना क्या होगा, जब आपकी KYC वगैरह सब कंप्लीट है, आपके पास अपना जो 17 डिजिट का जो है LPG ID आ चुका है, उसके बाद में क्या करना होगा, आपको यहाँ पे जो है अपने नियर डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना है और वहाँ पे आपको जो है जो राशन कार्ड में है वो अपना जो है 17 डिजिट का आपको LPG ID वहाँ पे सीडिंग करवाना होगा, मतलब कि लिंक करवाना होगा। और ये ही आपको जनाधार में भी करवाना होगा। जनाधार के लिए आपको ई मित्र पे जाना है और राशन कार्ड के लिए सीडिंग करवाने के लिए आपको राशन कार्ड डिस्ट्रीब्यूटर पे जाना है। मैंने आपको दोनों चीज़ अच्छे से समझा दी है। अब बात करते हैं कि 17 डिजिट की आईडी है वो किस तरीके से निकालना है, भले आपका LPG वाला हो, इंडियन हो, कुछ भी हो, आपका कोई सा भी सिलेंडर हो, उसकी आईडी कैसे निकालते हैं, खुद सेल्फ कैसे निकाल पाओगे, तो सारी चीज़ मैं बताऊंगा। आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं। कई लोग सवाल भी करेंगे कि मोबाइल पे कैसे निकालना है, कंप्यूटर पे कैसे निकालना है, लैपटॉप पे कैसे निकालना है, वो सारी चीज़ एक ही प्रोसेस होने वाली है। सीधा आप गूगल पे जाना है, सर्च करना है, जो चीज़ मैं बताऊँगा वो सारी चीज़ सर्च करके आपको निकाल लेना है, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप मोबाइल से भी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर चलता हूँ और बात करते हैं किस तरीके से आपको फाइंड करना है। और अगर वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों सपोर्ट बनाए रखें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि सभी को ये बेनिफिट मिल पाए। कई लोग होते हैं डायरेक्ट वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुँच जाते हैं और बोलते हैं 450 वाला सिलेंडर हमारे लिए करके दो या फिर जो भी प्रोसेस है वो हमें बताओ, तो प्रोसेस वो बताएंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस बता देंगे, कई लोगों को वो समझ में नहीं आएगी, इसीलिए मैं आपको सिंपल वे में बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको ई मित्र पे जाना है, अपना जनाधार चेक करवाना है, आपके जनाधार में जो LPG ID है वो वहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए, मतलब लिंक होनी चाहिए, आपकी KYC कंप्लीट होनी चाहिए। KYC कंप्लीट है, राशन कार्ड वहाँ जुड़ा हुआ है और LPG ID वहाँ जुड़ी हुई है,
उसके बाद में आपको वहाँ डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है, अपना राशन कार्ड लेके जाना है और आप जनाधार लेके जाना है और LPG डायरी वहाँ पे लेके जानी है और 17 डिजिट LPG ID वो लेकर जानी है। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है और वहाँ पे ये कनेक्ट करवा लेना है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं और किन लोगों के लिए, वो मैंने आपको बता ही दिया, जिनका राशन कार्ड चालू है उन्हीं लोगों को ये 450 वाला सिलेंडर मिलेगा। और इससे रिलेटेड भी काफ़ी अपडेट लाने वाला हूँ कि खाद्य सुरक्षा में नाम कैसे जुड़वाना है, क्या कब जुड़ेगा, किस तरीके से जुड़ रहा है, वो सारी चीज़ में नया वीडियो लाने वाला हूँ, नेक्स्ट वीडियोस या उससे नेक्स्ट वाला वीडियो आने वाला है। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल पे आप अगर नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियोस लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वीडियोस देख पाओ। ओके, तो गाइस यहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो मैंने गूगल ओपन कर लिया है। तो आपको सर्च बार में यहाँ पे सर्च करना होगा, जैसा कि आपका कोई सा भी सिलेंडर हो, HP का हो, इंडियन का हो, भारत का हो, तो तीनों प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ वन बाय वन। तो यहाँ पे सबसे पहले इंडियन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सर्च कर रखा है इंडियन LPG ID। तो यहाँ पे जैसे इंडियन LPG ID आप करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड योर LPG ID, तो इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए फर्स्ट में जो लिंक आ रहा है उस पर, तो यहाँ पे जैसे इस पर जाओगे यही सेम आपको मोबाइल पे करना है या आपका लैपटॉप कंप्यूटर कहीं पे भी कुछ भी हो आप सर्च कर लीजिए। होम पेज खुला है, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी फाइंड योर LPG ID। यहाँ पे दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, आप चाहो तो इसे क्विक सर्च में मतलब सर्च कर सकते हो या फिर नॉर्मल सर्च में। नॉर्मल सर्च में थोड़ी ज़्यादा डिटेल डालनी होगी, क्विक सर्च में कुछ ज़्यादा डिटेल आपको नहीं डालनी होगी, क्विक सर्च में आपको मोबाइल नंबर डाल के सर्च कर लेना है। तो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है तो फिर आपको कोई दिक्कत होने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको यहाँ पे देखिए मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालोगे तो नीचे जाना है और यहाँ पे कैप्चा डालना है, कैप्चा ये मतलब IM नॉट रोबोट, इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक करोगे तो प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, प्रोसीड कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे आपका जो LPG ID है वो यहाँ शो करने लगेगा। तो इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है, ठीक है। अब क्विक सर्च में भी दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप डिस्ट्रीब्यूटर नाम से और कस्टमर नंबर से आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो या फिर अपने मोबाइल नंबर से, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए और लिखा हुआ रहा है, या तो इस मेथड से या इस मेथड से, दोनों मेथड से आप सर्च कर सकते हो। अब यहाँ पे नॉर्मल सर्च में जाते हैं, तो नॉर्मल सर्च पे क्लिक करिएगा, फिर यहाँ पे पूछेगा आपको स्टेट, तो आपका स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना जो भी आपका स्टेट है। फिर यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करने के बाद में डिस्ट्रीब्यूटर, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर लेना है जो भी डिस्ट्रीब्यूटर आपका, डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट करने के बाद में कंज्यूमर नंबर। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से देखे और यहाँ IM नोट रोबोट पे क्लिक करना है और प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे आप प्रोसीड करोगे यहाँ पे आपका LPG ID नंबर निकल के आ जाएगा। अब बात करते हैं अपन HP की, तो यहाँ पे देखिए ये HP लिखा हुआ रहा है और यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड योर 17 डिजिट LPG ID। तो यहाँ पे LPG ID के लिए वही यहाँ पे सेम प्रोसेस है, यहाँ पे क्विक सर्च में जाना है, तो क्विक सर्च में आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर नेम डालना है, कंज्यूमर नंबर, या फिर आप मोबाइल नंबर से भी सर्च कर सकते हो। ये देखिए यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, कैप्चा ये फिलअप करना है यहाँ पे और यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। और नॉर्मल सर्च वो आपको जो पहले अभी बताया मैंने इसी तरीके से कर देना है। HP की बात करो या भारत गैस की बात करो, तो भारत गैस में भी सिमिलर सा है, कुछ भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वही सेम चीज़ करना है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है और सर्च करके आपका जो LPG ID है 17 डिजिट वाली वो यहाँ पे आपको जो ईमित्र वाले को उनको दे देना है, उनको नहीं निकालना आ रहा है, या फिर आप उनको बता सकते हो इस तरीके से निकालना है, या मेरा वीडियो यहाँ पे उनको शेयर कर सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे आपको निकाल लेना है 17 डिजिट की LPG ID। ईमित्र पे जाना है सबसे पहले और जनाधार में आपको LPG ID सबमिट कराना है। सबमिट कराने के बाद में KYC वगैरह संपूर्ण करना है उसको, फिर करने के बाद में आपको वहाँ पे आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना है और वहाँ पे आपको ये 17 डिजिट की LPG ID की सीडिंग करवानी है। KYC अगर नहीं है तो KYC वगैरह भी करानी है। इस तरीके से आपको करा के अपना जो है 450 वाला जो सिलेंडर है वो आप ले पाओगे, मतलब आपको पूरा पेमेंट करना होगा और सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। वो सारी चीज़ें भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, खाद्य सुरक्षा वाला वीडियो मैं जल्द ही लाने वाला हूं, उससे पहले एक वीडियो आने वाला है वो भी आप देखिएगा ज़रूर, आपके काफ़ी ज़्यादा काम आने वाला है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलते रहें। तो आपको मैंने बता दिया है तीनों, और तीनों के लिंक मैं यहाँ पे दे दूंगा, जो भी LPG का है, इंडियन का है, भारत का है, सारे लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ, वहाँ पे जाके आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हो, नहीं तो आप गूगल कर लीजिए जो भी आपका सिलेंडर है ना, इंडियन का इंडियन सर्च करना है और यहाँ पे LPG हो HP का है तो HP सर्च कर लेना है। इस तरीके से ये देखिए यहाँ पे तीनों इस तरीके से,
इस तरीके से आपको सर्च कर लेना है। इंडियन का है तो इंडियन एलपीजी आईडी कर लेना है, भारत का है भारत एलपीजी आईडी करके सर्च कर लेना है, एचपी है तो एलपीजी एचपी एलपीजी आईडी सर्च कर लेना है। जैसे आप इन पे क्लिक करोगे, ऐसे क्लिक करते ही देखिए फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आता है वही आपको ओपन कर लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपको अपना 17 डिजिट का आईडी निकाल लेना है। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, कहीं पे भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद सेल्फ यहाँ पे निकाल सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने की जरूरत नहीं है, फ़ोन करने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप फाइंड कर पाओगे। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ दोस्तों लाइक शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।